कोरोना के चलते दो साल तक त्योहारों का रंग फीका पड़ा था, लेकिन इस साल पहले की तरह त्योहारों की रौनक अब लौट आई है। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। इस क्रम में मुंबई से सटे उल्हासनगर में मां शक्ति सेवा संस्था ने दुर्गा माता की स्थापना की। संस्था की तरफ से इस साल इको फ्रेंडली नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि इस वर्ष बांस की लकड़ियों से दुर्गा माता का पंडाल बनाया गया है। इस झांकी के निर्माण में लगभग 2 ट्रक बांस का इस्तेमाल किया गया है। बांस से बनी टोकरी, सूप और कूस से बनी चटाई को जोड़कर बनी मंदिर की सुंदर झांकी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बांस से जो भी बनता है, जैसे टोकरी हो गया, सूप हो गया, बहुत तरह का इसमें सो घर का सो का भी आइटम बनता है बांस से। तम बांस के ऊपर ही टोटली थीम बनाए हैं। इसमें कम से कम 2 ट्रक बांस लगा है और बल्ला कम से कम 1 ट्रक लगा है और टोकरी है कम से कम 1200 लगा है, सूप जो है कम से कम 500 लगा है। झांकी को देखने के लिए एवं माता के दर्शन हेतु उल्हासनगर के श्रद्धालुओं की पंडाल में भीड़ लगी है। झांकी के निर्माण में करीब 100 से 150 कारीगरों की मेहनत लगी है। 1 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद कारीगरों ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। वहीं बांस से बने पंडाल में मिट्टी से बनी हुई मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई है। इस सुंदर झांकी के जरिए संस्था ने पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही आयोजकों ने बताया कि विलुप्त होती आदिवासी कला एवं संस्कृति के जतन के लिए बांस से झांकी बनाई गई है। इससे वही संदेश है, जैसे आदिवासी लोग हैं, जैसे पुराने लोग हैं, जो कलाकार हैं, उन लोगों को ज़्यादा इससे सहमत मिले, लोगों को जागरूकता मिले इससे कि हाँ, ये भी हमारा एक हिस्सा है, इन्हें हम आगे बढ़ाएं, इनको हम भूल चुके हैं काफ़ी। बदलते युग में प्लास्टिक का उपयोग बहुत बढ़ गया है, जिसके कारण बांस का कारोबार करने वाले आदिवासी की कला को बढ़ावा देने के मकसद से इस मनभावन झांकी को तैयार किया गया है। संस्था से जुड़े तमाम कार्यकर्ता अपना पूरा समय माता के चरणों में समर्पित करते हैं। मां शक्ति सेवा संस्था के अध्यक्ष विनीत शाह, एडवोकेट सतीश शाह सहित सभी कार्यकर्ता सच्ची आस्था और श्रद्धा के साथ नवरात्रि का आयोजन करते हैं।